ईजी गृहस्थी में आप सभी का स्वागत है। जानते हैं कि चैत्र नवरात्र कितनी तारीख से शुरू होंगे और इन नवरात्रों में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, साथ ही माता का आगमन इस बार कैसे होगा। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार पहला महीना चैत्र का महीना होता है और इस महीने के शुक्ल पक्ष में नवरात्र आते हैं जो कि रामनवमी तक चलते हैं। चैत्र नवरात्र इस बार 22 मार्च से शुरू होंगे और यह 30 मार्च तक रहेंगे। घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:07 से लेकर 7:55 के बीच का होगा। नवरात्रों में आपको नमक का सेवन या अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। नाखून काटने और बाल काटने से परहेज करना चाहिए। चमड़े की वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन, प्याज लहसुन के सेवन से परहेज करना चाहिए और अखंड ज्योति भी जलानी चाहिए। तो यह नवरात्रों से जुड़ी कुछ जरूरी बातें थी। अब जानते हैं कि इस बार माता रानी की सवारी क्या होगी। तो इन नवरात्रों में माता रानी नौका पर बैठकर आएंगी जो कि सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कहा जा रहा है कि इस बार नवरात्रों में ऐसा संयोग बन रहा है जो 110 सालों में पहली बार बन रहा है। इस बार बुध और शुक्र ग्रहों में कुछ बदलाव होने वाले हैं जो कि औरतों के लिए बहुत ही शुभ माने गए हैं। तो आने वाले नवरात्रों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।